हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो भाई ये वेला बंदा वेला पंती करने आ चुका है अपने इस वेला वेला ब्लॉग्स में। तो पीछे जैसे कि मेरे ताजमहल है, तो जैसे कि मुझे पता चला कि आज मेरी छुट्टी है, तो मैंने फ़ौरन ही बिना समय गवाए हुए मैंने टिकट कटाई और पहुँच गया ताजमहल। तो अभी एंट्री टिकट पे ऑनलाइन में टिकट करा चुका हूँ, तो चलते हैं अंदर, आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, एक चीज़ बताऊंगा आपको, तो चलते हैं आगे। तो भाई अंदर जा रहे थे तो उन्होंने बैग ले जाने से मना कर दिया है, तो बैग ले जा रहे हैं हम जमा करने, उसके बाद फिर चलेंगे अंदर। और भाई सुबह मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और उस टाइम हो चुकी है गर्मी, गर्मी के मारे हो रही है हाथ खराब अपनी, इसकी तो आँखें नहीं खुल रही है। इसलिए इसी गाइस मैं ये कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, कोल्ड ड्रिंक है। तो बैग जमा करते हैं। तो भाई फाइनली सारी चीज़ें कर करा के, मतलब चेकिंग वेकिंग करा करा के सारा सामान जमा करा के, तो अंदर आते ही आपको ऐसा कुछ नज़र आएगा, तो देखने में तो बहुत प्यारा लग रहा है, बस एक धूप की वजह से हमें मज़ा नहीं आ रहा है। तो लाल थोड़ा एक्सपीरियंस करेगा अपने साथ। लाल मेरी तो आंखें नहीं खुल रही। वो कुछ इस तरह का भी है, तो मैं तो पहली बार आया हूँ और आपको भी दिखाऊंगा जो मेरे से बनेगा, पूरा दिखाऊंगा क्या क्या देखने लायक चीज़ है और पूरी डिटेल बताऊंगा कैसे आ सकते हो सत्य जुगाड़ में और एक दिन में पूरा कैसे इनकी ज़्यादा बता सकते हो। और यहाँ भाई बाहर बाहर से भी लोग आते हैं घूमने के लिए, और आज मंडे का दिन है, क्राउड भी ठीक ठाक है, संडे को आओगे तो और भीड़ मिलेगा। ये कुछ हमारे हुमायूं के मकबरा जैसा लग रहा है, ये देखो दिल्ली वाला। आज टूरिस्ट गार्ड बना पड़ा लाल, लाल इधर आओ। तो लाल भाई पहले आ चुका है तो मुझे गाइड करेगा, पूरा सब चीज बताएगा। तो ये आज से जब ये पैदा हुआ था तब आया था और आज आया, 5 साल पहले ही आया था। तो यहाँ भीड़ भी ठीक ठाक हो रही है, लाल और यहाँ से गेट से भी दिख सकता है। तो यहाँ से भी आपको सामने देखो ताजमहल नजर आ रहा होगा। आइए 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 सर, आइए आइए आइए। तो भाई देखो ये अंदर गुंबद सा ऐसा कुछ पता नहीं क्या है, मुझे कहानी है कुछ क्या है बता, मुझे पता नहीं है। तो भाई यहाँ से एंटर करते कि सामने ने देखो आपको ताजमहल नज़र आता है पूरा। अभी यहाँ सामने लाइटिंग पड़ रही है इसलिए दिख नहीं रहा। तो बैक साइड देखो मुझे पूरा ताजमहल आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि पूरा वाइट ही और धूप से चमक रहा है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा। तो ये ताजमहल देखने भाई बहुत से लोग आते हैं, बाहर से भी आते हैं देखने के लिए, आउट ऑफ कंट्री। तो भाई लायल मुझे कुछ बता रहा है, उसको भी जस्ट अभी भी पता चला है, इसने गूगल से पढ़ा है। क्या बोलना चाहता था बता, मतलब जब मैं एक बार आया था ना यहाँ, हाँ तो गाइड करा था हमने, तो यहाँ पे जितने वो जो हीरे जो लगे हुए थे ना इसमें, जो इसमें ताजमहल में लगे थे, हाँ तो उसको अभी भी उसका गम लगा पड़ा है। गम लगा पड़ा, अच्छा गोंद चिपचिपा टाइप का, कहाँ पे है वो दिखेगा? अभी मैं दिखाता हूँ, देख। तो अभी चल रेडफोर्ट, वो थोड़ा बेसमेंट में है लेकिन वो मस्त लगता है। रेडफोर्ट पीछे बना पड़ा है लेकिन वो अधूरा ज्ञान बवासीर बन जाता है, बवासीर बन जाता है। तो भाई सामने जो ये ताजमहल है ना, पूरा इस संगमरमर के पत्थर से बनाया गया है, जो कि बहुत ही औसम है यार, बहुत प्यारा लग रहा है। फोटो में देखा था मैंने, बहुत अच्छा लगता था, बट रियल में तो और भी प्यारा है यार, और भी प्यारा। आप खुद देखोगे खुद पता चल जाएगा, मैं तो पहली बार आया हूँ। और जो है ना ये आपको तो पता ही कि ये एक प्यारे की निशानी कहा जाता है, जो अपनी बेगम के लिए बनवाया था, आप सबको तो पता ही है कि ये प्यार की निशानी है, क्योंकि बहुत औसम है। यहाँ पे ना भाई भारत के हर हिस्से के लोग आए पड़े हैं, भारत के हर हिस्से की छोड़ो अलग अलग कंट्री के लोग आए पड़े हैं यहाँ पे। और ये मेरा लाल ये भी जस्ट यूपी से आया अभी देखने के लिए। तो ये भाई आगरा के पीछे वाली जमुना जी है, जमुना जी, हाँ जमुना जी है, ये देखो। और सामने भी किला है, वो टाइम मिला तो हम वहाँ भी जाएंगे। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है यार, ऑसम लोकेशन है। तो आपको भाइयों मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि क्या होता था ना कि पहले के जो लोग होते थे वो अपने ना किले जो भी है जंगल में या फिर
नदियों के बिल्कुल पास से बनाते थे, ताकि जिससे कि क्या होता था ना कि युद्ध लड़ने में उससे आसानी मिलती थी, कि जो दुश्मन होते थे उन पर आक्रमण करने में उनको काफ़ी दिक्कतें आती थी, जैसे कि नदी पार करके आना थोड़ी दिक्कत होती थी। तो ये ऑसम व्यू देखो यहाँ, किस नाम से भाई यूट्यूब चैनल तुम्हारा? तो यारो इतना घूम लिया ना हमने, इतना घूम लिया, कितनी थकान हो गई। तो भाई बेंच पे लेटा पड़ा हूँ, ये देखो मैं इधर पड़ा हूँ, लाल मेरे पैर दबा रहा है। तो भाई अगर आप भी नहीं आए तो आना एक बार घूमने के लिए, मत आना। मत आना, नहीं नहीं मत आना। मैं कह रहा हूँ मत आना, नहीं तो हमारी जैसी हालत हो जाएगी। बैठे बैठे भाई साहब भूखे प्यासे बैठे हैं और बाहर एग्जिट हो गई, फोटो के इंतजार में अगला कि मुझे फोटो लेनी है, व्लॉग बनाना है, धूप आ रही है, कुछ हो रहा नहीं है। तो यार मैं तो एक ही से दिन दूंगा, अगर आपको यहाँ आना हो आगरा तो ठंड के टाइम में आना, धूप में तुम्हारा तेल निकल जाएगा, घूमने का दिल नहीं करेगा, छाई वाली जगह ढूंढोगे जैसे हम ढूंढ गए बैठे पड़े। ऐसे देखना पड़ेगा, ऐसे देखना पड़ेगा। तो अभी हम थोड़ा वेट कर रहे हैं ताकि ना मतलब कि मौसम ठंडा हो, उसके बाद फोटो लेंगे और अच्छे से थोड़ा कवर जो रहेगा उसको कवर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो मैं बताऊंगा कि आप एक दिन में कैसे ये पूरा कवर कर सकते हो जैसे कि मैंने किया है। तो ये वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको। The money spreading like a uterus. I'm always in the kitchen, water whipping like it's tuna fish. Bitch, I'm counting chicken like it's Bucharest. Nike when it come to shooting moves, we just do the shit. Count no hundreds, we ain't new to this. I ain't from the loop, but got a shooter that's a lunatic. Bitch, your pockets little where the steward is, and you know it is. Money dirty as a sewer is, little luxurious. Big money that's notorious. Red and blue pills pouring in, bitch, I'm Morpheus. Ain't no matches, but we dodging these hoes. They'll never see it coming like anonymous notes. Why I sell might go to hell. तो यहाँ पे ना भाई कुछ वस्तुएं बनी पड़ी है और कुछ मतलब वस्तुएं हो गई या फिर औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक के रूप में बनाए गए जो कि ना हड़प्पा सभ्यता से मतलब रिलेटेड है। तो उस चीज़ के बारे में पूरा दर्शाया गया है यहाँ पे, जो कि हमने हिस्ट्री में पढ़ा था सारा, मतलब ये यहीं पे पूरी लाइन से सब उसी के बारे में है। ताजमहल का कोना कोना घूम लिया क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो चुका था दोबारा, तो हम निकल पड़े थे दोबारा घूमने के लिए। तो घूम फिर के हम अब जा रहे हैं बाहर क्योंकि 4:30 बज चुके हैं और हमें ट्रेन पकड़ के वापस जाना भी है 200 किलोमीटर दूर। तो लाल भाई कैसा रहा आज का दिन? एक्सपीरियंस था, ठीक था, दोबारा आना चाहेगा? दोबारा हाँ, अगर ज़िंदगी रही तो आऊँगा दोबारा। तो इसके हिसाब से मुझे लगता है दोबारा नहीं आएगा। हाँ यहाँ थोड़ी गर्मी की वजह से दिक्कत है बस, क्योंकि मौसम थोड़ा वैसा हो रहा था, बाकी एक नंबर का है, मतलब जिसने नहीं देखा मैंने भी देखा था इसलिए मैं आया हूँ। तो ये लास्ट एग्जिट गेट है हमारा, तो ये हमारा एग्जिट गेट है, कहीं लिखा नहीं है पर एग्जिट गेट यही है हमारा। इसके बाद हमारी दोबारा एंट्री नहीं होगी। अभी वापस जा सकता हूँ मैं? अभी भी जा सकता है, वो बॉर्डर पे खड़ा एकदम, अभी भी जा सकता है तू, आ जा आ जा। तो भाई वीडियो को यहाँ एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, इस चैनल पे ऐसी वीडियो आती रहती है। अभी थोड़ा मैं मोटो व्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ पर जल्दी करूँगा, जो भी अपडेट होगी मैं आपको बता दूँगा, मेरे से जुड़े रहें आप, ठीक है? तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो टिल देन बाय।